सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी सुनीता जब छह साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रोंग को चांद की धरती पर उतरते देखा था तब से मन में निश्चय कर लिया था इसलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी वे सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है विधान समझाइए सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है 3 सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं कैसे सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी इससे कल्पना के स्वप्न को और खुद के द्विवास स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की चार सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है आज इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया पांच सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहेंगे सुनीता विलियम्स की तरह मैं सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ

चार सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली कल्पना चावला प्रश्न नंबर एक क प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक सुनीता सुनीता पंडिया के नाम से क्यों नहीं जानी जाती सुनीता सुनीता पंडिया के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंडिया से सुनीता विलियम्स बनी माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया इसलिए सुनीता सुनीता पंडिया से नहीं जानी चाहती ने अपने सपने कैसे साकार किए अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा तो अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा पूरी तैयारी के लिए वे नौ दिन पानी में भी रही अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होंगी अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है रोज बंद भोजन खाना पड़ता है शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है चार हमें किस बात का गर्व है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पिता दीपक भाई पंडिया जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए पांच सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे हैं राकेश शर्मा कल्पना चावला रविश मल्होत्रा और पी राधा कृष्णा અન્ય ભારતીય છે ભારત કા નામ રોશન તમને ઇન્ટરનેટ પરથી મળી રહેશે કિરણ બેદી કિરણ બેદી કા જન્મ નો જૂન ઉમૃતસર મેં મધ્યમ વર્ગ કે એક પ્રગતિશીલ પરિવાર મેં સે ટેનિસ કે પ્રતિ લગાવ્યા टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया सन उन्नीस में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला बचेंद्रीपाल बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई उन्नीस को वर्तमान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाश के पहाड़ों की गोद में हुआ था तेईस मई उन्नीस को अपराह्न एक बजकर सात मिनट पर उनतीस हजार अट्ठाईस फुट की ऊंचाई पर सागर भाथा पर भारत का झंडा लहरा कर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले वे दुनिया की पांचवी महिला बनी हिमा दास, हिमा दास का जन्म नौ जनवरी 2000 को असम राज्य के नागांव जिले के हिंग में हुआ था हिमा एक दलित परिवार से है वो आए वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी પ્રશ્ન બ આપેલો પ્રશ્ન બે નો બનેતા અંતરિક્ષી પાયલટ બનને જાને સફળ હવે કડા પ્રશિક્ષણ લીયા આપણે કાર્યવર અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ તથા યાન યાદી કે બાર જાનકરી પાણી કે લે રૂસ મેના પડા પૂરી તૈયારી કે લી નો દિન પાણી મે उनका पूरा प्रशिक्षण आठ साल में खत्म हुआ बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुए इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती पीछे आप अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षेप में परिचय लिखिए राकेश शर्मा विषय आपने પછી કલ્પના ચાવલા વિશે આપેલું છે યુરિગા ગાગરીન પછી છે ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લિખીએ સ્વતંત્રતા કી ઉડાન પછી ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે બહતી નદીયા કહી ઉપનતા સમુદ્ર હે તો કહી શાંત સરોવર હે પ્રકૃતિ રૂપ અનોખા કભી કભી ચલતી સાય સાય હવા તો કભી મૌન જાતી પ્રકૃતિ કી લીલા ન્યારી વાક્યો શુદ્ધ રૂપ ને લીધી વાક્ય છે જે દેખાતું નથી તમને પણ નીચે જવાબ આપેલો છે સુનિતા ઓર સમાજ કા ગૌરવ એમાં આવશે દોનો કો ભારતીય સંગીત કા બેહદ લગાવ ત્રીજામાં યહ સાહસ શ્રમ કી પ્રવૃત્તિઓ કા મહત્વ થા चौथो कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला पांचवों महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है वाक्य बना परंपराओं की बेड़ी तोड़ना पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना वाक्य पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नई समाज की रचना होगी बीजे यादें ताजा होना पुरानी बातें याद आना कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है त्रीजु सर ऊंचा होना गर्व होना हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो चार खतरों से खेलना खतरनाक स्थितियों का सामना करना समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है पांच एक सूत्र में पिरोना सबको साथ में रखना भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है પછી છાત્ર આપેલું છે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનું છે વિધાતા તો વિદ્યાર્થી વધુ વર સમ્રાટ સામ્રાજ્ઞી શ્રીમાન શ્રીમતી માલિન તો માલિક

सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण से भी था इसलिए बचपन से ही दौड़ तैराकी और धनुर्विद्या जैसे साहस पर खेलों में उनकी रुचि रही सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि सुनीता विलियम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था त्रिजु सुनीता को अंतरिक्ष यान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि वहां से सुनीता को दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहां जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं चार कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी કલ્પના ચાવલા ને યુવા પેઢી કે ગૌરવશાલી પરંપરા મેં અંતરિક્ષ પર અસ્તિત્વ સ્થાપિત કર ઓર વાક્ય પ્રયોગ કીએ મહવાકાંક્ષી સાહસી મહિલા લાભ પ્રતિષ્ઠા એમાં મહત્વ પછી વાક્ય પ્રયોગ એવી રીતે પાંચ પાંચ શબ્દ અને વાક્ય પ્રયોગ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં વિડીયો જોવા બદલ આભાર